बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। और फ्रेंड्स, मैं रोटराम लोली, आप देखना शुरू कर चुके हैं अंबेडकर पीपल्स वॉइस। दरअसल आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है। हर राज्य से ज्यादा उत्तर प्रदेश में उनकी मुश्किलें, हालात बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें कि 2022 में विधानसभा के चुनाव है और उससे ठीक पहले और इस तरीके के हालात बने हुए हैं कि बसपा को या तो निलंबित किया जा रहा है नेताओं को, या फिर पार्टी से छोड़कर नेता जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, बसपा की तरफ से आज पार्टी छोड़कर दो और MLA समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी में शामिल करवाने समय उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री यूपी और राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव मौजूद रहे। उन्होंने पार्टी में उनको सम्मिलित करवाया। आपको बता दें कि लगातार बहुजन समाज पार्टी के नेताओं की पहली पसंद बनी हुई है समाजवादी पार्टी, यानी कि बहुजन समाज पार्टी से जो छोड़कर नेता जा रहे हैं वो कांग्रेस बीजेपी में जाने के बजाय समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी में जाने वाले नेताओं की लंबी लिस्ट है, तो बसपा से निकलने वाले नेताओं की भी बहुत बड़ी लिस्ट हो चुकी है। अब तो बसपा के अंदर गिने चुने यूपी के अंदर नेता नजर आने लग गए हैं। इधर आपको बता दें, बसपा में आज जो नेता गए हैं उनके अनुसार, आपको बता दें बहुजन समाज पार्टी से राठ विधानसभा क्षेत्र से जो पूर्व में विधायक रह चुके हैं, MLA रह चुके हैं, अनिल अहिरवार, और उनके साथ में पूर्व MLA फेरन लाल अहिरवार और उनके साथ दो और कार्यकर्ता रविंद्र नगरा सहित कई लोग बसपा में शामिल हो गए। और इस दौरान आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और उनके साथ सपा में शामिल होने वाले उनके अखिलेश यादव के मौजूद रहे। उसके अलावा जिला अध्यक्ष और तमाम लोग भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने खुद ने उनको पार्टी सम्मिलित करवाई और पार्टी की रीति नीति समझाई। मिलेंगे इस वीडियो में अपडेटों के साथ, तब तक आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना बिल्कुल ना।